स्वागत है आपका मायापुरी कट पर। मैं हूँ आपके साथ सृष्टि और आप देख रहे हैं मायापुरी रीजनल, जहाँ पर हम आप तक सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पंजाबी, साउथ और भोजपुरी सिनेमा यानी कि पूरे इंडियन सिनेमा की सारी अपडेट्स पहुँचाते हैं। सो लेट्स बिगिन। कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर सितारों का जलवा कायम है। 16 मई से शुरू हुए कांस फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड की कई हस्तियां शिरकत कर चुकी हैं। अब इस फेस्टिवल में आदिति राव हैदरी ब्लू गाउन में पहुंचकर चर्चाओं में आ गई है। इस गाउन में एक्ट्रेस बहुत खूबसूरत लग रही थी। एक्ट्रेस ने अपने इस लुक की कई पिक्चर्स सोशल मीडिया पर भी शेयर की हैं, जो कि अब फैंस को दीवाना बना रही हैं। साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द रूल का जब से ऐलान हुआ है, तब से फैंस को फिल्म की रिलीज डेट का इंतजार है। इसी बीच एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। अल्लू अर्जुन की फिल्म के साथ बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह का नाम जुड़ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म में रणवीर सिंह अल्लू अर्जुन के साथ नजर आएंगे। रणवीर सिंह इस फिल्म में पुलिस वाले का किरदार निभा सकते हैं। सनी लियोनी इस वक्त काफ़ी प्राउड फील कर रही हैं, क्योंकि उनकी फिल्म कैनेडी का प्रीमियर कांस फिल्म फेस्टिवल में जो हो गया है, वहां से सनी की बहुत सारी पिक्चर्स और वीडियोस वायरल हो रही हैं। एक खूबसूरत रोज कोल्ड ड्रेस में सनी राहुल भट्ट और अनुराग कश्यप के साथ पहुंची थी। इसी के साथ एक्ट्रेस ने वहाँ मौजूद होने का ग्रेटिट्यूड भी एक्सप्रेस किया है। साउथ इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर अजीत कुमार इन दिनों वर्ल्ड बाइक टूर के चलते नेपाल में हैं। इसी बीच एक्टर ने कुछ ऐसा किया जिसके चलते वो सोशल मीडिया पर काफ़ी छाए हुए हैं। दरअसल एक्टर ने एक शख्स को बाइक गिफ्ट की है जिसकी कीमत कई लाखों में है। अजीत ने अपने साथी राइडर सुगत सतपति को एक बाइक गिफ्ट की है जिसकी कीमत 12.5 लाख रुपीज बताई जा रही है। अब सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें छाई हुई हैं। क्रैक एंड किक फेम रवि तेजा तेलुगु के सबसे टैलेंटेड एक्टर्स में से एक हैं। वो अपनी अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म टाइगर नागेश्वर राव से सिल्वर स्क्रीन पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। इस फिल्म का फर्स्ट लुक भी लॉन्च हो गया है। इस फिल्म को द कश्मीर फाइल्स और कार्तिकेय 2 के प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस एक्शन ड्रामा में गायत्री भारद्वाज और नुपुर सानन भी लीड रोल्स में हैं। पंजाबी किंग दिलजीत दोसांझ के लिए इस साल काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि इस साल उन्होंने बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की हैं। वहीं अब सिंगर ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जहां वो स्कूटी में काफ़ी मज़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने एक वीडियो भी शेयर की है जो कि अब उनके फैंस के बीच काफ़ी वायरल हो रही है। इंडस्ट्री से एक के बाद एक लगातार बुरी खबर आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए ये वक्त काफ़ी बुरा चल रहा है। भोजपुरी फिल्मों के निर्माता निर्देशक सुभाष चंद्र तिवारी का निधन हो गया है। इस खबर से सभी सदमे में हैं। 7 साल के सुभाष चंद्र तिवारी का शव सोनभद्र शहर स्थित एक होटल के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में बेड पर पाया गया। उनके पास से आधार कार्ड मिला है जिससे उनकी पहचान हो पाई। भोजपुरी सिनेमा से लेकर बॉलीवुड और राजनीति तक अपनी खास पहचान बनाने वाले सांसद रवि किशन स्टारर फिल्म चिड़ियाखाना जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है। वहीं रवि किशन ने ये भी कहा है कि वो चाहते हैं कि सरकार इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दे। आज मायापुरी रीजनल में बस इतना ही। आगे की सिनेमा से जुड़ी हर अपडेट के लिए स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।